तो फ्रेंड आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की वैकेंसी के बारे में। इसमें आपकी जो वैकेंसी निकली है, आपकी पटना की वैकेंसी निकली है, इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियां, वीडियो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन, ठीक है, सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करता हूं, जिसमें आपकी महत्वपूर्ण जानकारी रहती है वो सब आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़े और डेली आप लोगों को ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियां मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की वैकेंसी का, इसके ऑप्शन और डिवीजन में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे देख सकते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वैकेंसी है, जिसमें रिटायर नंबर देखने को मिल जाएगा 2/2021 15 मार्च 2021 को आया है। इंटरव्यू आपका जो है आपको देख सकते हैं इसके बारे में आ रहा है, जो कि आपका स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट की पोस्ट की वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए ऑल डिसिप्लिन इन्वॉल्व अंडर ग्रेजुएट MBBS एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंड सुपर स्पेशलिस्ट, जिसमें आपको कोर्स के एज लिमिट पेज के लिए एजुकेशन अदर क्वालिफिकेशन और मेडिकल स्पेशलिस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडजेंट वैकेंटी विजिट फैकल्टी नॉट एक्सी 67 डेट ऑफ इंटरव्यू, आपका कॉन्टैक्ट आपका रहेगा, रिक्वायरमेंट रहेगा जनरल, आपका डिसिप्लिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसेंशियल मेडिकल कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो आ रहा है एज पोस्ट ग्रेजुएट आपका क्वालिफिकेशन 2MD यहाँ पे या MS या रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन आपका जो इक्विवेलेंट देयर टू रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट एलाइड डिसिप्लिन। एक्सपीरियंस देख सकते हैं 8 ईयर वर्क एक्सपीरियंस कंसर्न स्पेशलिस्ट ऑब्टेन द PG डिग्री। स्कोप ऑफ वर्क यहाँ पे जैसे ईच विजिटिंग फैकल्टी विल बी रिक्वायर्ड टू कंडक्ट 1 सेशन 3 आवर ड्यूरेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको नोट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको देख सकते हैं डिटेल आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी वेबसाइट से। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट सेल आपको शुड रिपोर्ट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म 25/3/2021 को 9 बजे आपको AESI के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बिहार पटना में आना है। ठीक है, इंटरव्यू भी आपका शेड्यूल किया जाएगा लेटर डेट, ऑनलाइन नो ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए सीधे जाना है, एज लिमिट आपको 67 से ऊपर नहीं, तो वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। पे अलाउंस यहाँ पे आपको नीचे देखने मिल जाएगा, डायरेक्टर प्रोफेसर की 6,000 रुपये, एडिशनल एसोसिएट प्रोफेसर की 4,000 रुपये। ठीक है, यहाँ आपको रिटायरी फ्रॉम सेंट्रल स्टेट या PSU फ्रॉम रिकॉग्नाइज पोस्ट आपका एक एलिजिबल टू अप्लाई पर्सन वर्किंग रिकॉग्नाइज अप्रूव मेडिकल प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ पे आपको द कैंडिडेट हैव टू अटैच सेल्फ अटैच फोटो अटैच ए कॉपी ऑल द रिलेवेंट सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल सपोर्ट डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी सब कैटेगरी। ठीक है, टर्म ऑफ कॉन्टैक्ट देख सकते हैं इसके बारे में, सिलेक्टेड कैंडिडेट आपको आपको प्योरली कॉन्टैक्ट बेस पे होगा जो कि 1 ईयर होगा, जिसे आपको आपको एक्सटेंड किया जाता है 1 ईयर। ठीक है, सेम कैन बी एक्सटेंड ओनली फॉर 1 ईयर। ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं अदर टर्म कंडीशन एप्लीकेशन भी इशूड कंप्लीटली अथॉरिटी विद टाइम टू टाइम। यहाँ पे आपको देख सकते हैं फॉलोइंग आपको डॉक्यूमेंट लेके आने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, यहाँ पे देखिए 2 कॉपी फॉर रिसेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज की, सेल्फ अटेस्टेड आपकी कॉपी सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल आपको सपोर्ट आपका प्रूफ एज के लिए। यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको कॉन्टेक्ट करना होगा डीन ऑफिस आपके जो ASI मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बिहार पटना का नंबर दे रखा है, यहाँ पे 11 से 4 बजे के बीच में आपका आना होगा। ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी से आपका क्लेरिफिकेशन कर सकते हैं, यहाँ पे क्वारी पूछ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया था, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस कैंडिडेट इंटरव्यू बिफोर द सिलेक्शन बोर्ड, डेट एंड टाइम इंटरव्यू विल बी कम्युनिकेट थ्रू, रिजल्ट आपको कम्युनिकेट थ्रू ईमेल SMS डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे आपको जनरल कंडीशन दे रखी है, यहाँ पे इसके बारे में दे रखा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में दे रखा है तो यहाँ पे आप देखते हैं। ठीक है, ये आपकी डिटेल है, ये आपका नीचे फॉर्म आ रहा है, आपको देख सकते हैं नेम आप मेडिकल इंस्टीट्यूट अप्लाई पोस्ट अप्लाई स्पेशलिस्ट आपका अप्लाई यहाँ पे आपको आ रहा है, नेम पूरा फादर नेम पूरी जानकारी देनी है यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका एसेंशियल एडुकेशन आपका एजुकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल है यहाँ पे देनी है, आपका डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानकारी देनी है, तो यहाँ पे आपको डिटेल ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन के बारे में जानकारी देनी है, ट्रेनिंग के बारे में देना है और एकेडमिक एंटेनेंस एंड एक्टिविटीज के बारे में देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका जो पूरा फॉर्म है इसको फिल करके आपको लेके जाना होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए आपको इसकी वैकेंसी मिल जाएगी फ्रेंड, तो ये आपकी वैकेंसी थी उसके बारे में मैंने बताया फ्रेंड, जो कि ईएसआई की वैकेंसी थी जो बिहार पटना की थी। अगर फ्रेंड ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज जरूर बताएं, ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी हमारे चैनल के साथ बने रहे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने धन्यवाद।